नमस्ते दोस्तों, केयर फॉर पेट्स पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो भी मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सकर फिश। हाँ, तो वैसे तो दोस्तों मैं कोई भी मछलियों के बारे में उनकी इम्पोर्टेंस नहीं बताता, बट जी हाँ, चिपकू के बारे में बताऊंगा आपको, सकर फिश के बारे में। बट हाँ, इससे मतलब आप भावुक मत हो कि आप चिपकू फिश एक ज़बरदस्ती लेके आई है, क्योंकि देखो केरला और साउथ साइड में चिपकू फिश कम्प्लीटली बैन है, क्योंकि लोग इन्हें बड़े होने के बाद वाइल्ड में छोड़ रहे थे। और वाइल्ड में जाने के बाद दोस्तों एक साइकिल रहता है, जो हमारा नेचर ना एक साइकिल से चलता है, तो जब हम ये फिश को वो जगह पर छोड़ देते थे तो वो साइकिल टूट जाता है। तो इसलिए हमें वैसा नहीं करना चाहिए, और इसी के कारण ये बहुत सारी जगहों पर बैन भी है। बट देखो, ये इसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए वाइल्ड में, जब तक हम इसे हमारे टैंक में रखेंगे तब तक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे तो दोस्तों, इसका एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये करता है, ये एल्गे ही खाता है। सो ये एल्गे ही खाने से क्या होता है, मतलब आप सोचते हो कि अरे तो क्या हो गया, एल्गे ही खाता है। दोस्तों कैसे होता है ना, जब ठंडी का मौसम होता है या फिर धूप ज़्यादा होती है, सो एल्गे ही बहुत जल्दी फॉर्म होता है। तो एल्गे ही फॉर्म होने से आपकी फ़िश को बहुत सारी डिजीज हो सकती है, जिसमें आपको डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि इसे ये हो गया है। और आप अगले दिन उठ के देख रहे हो कि आपकी फ़िश अचानक से उसके सारे फिंस चले गए हैं। कैसे होता है, एल्गे ही दिखता है, बट आप सोचते हो अरे कुछ नहीं, मैंने इसे आज ही साइफन किया है। सो एल्गे ही भाई फटाक से भी आता है, इसलिए हमें एक चिपकू हमेशा अपने टैंक में रखना चाहिए, क्योंकि वो चिपकू एल्गे ही को खाता है, पूरा उसे क्लीन करता है। जैसे अभी आप देखोगे कि कहाँ पर भी एल्गे ही है, आप वहाँ पर एक चिपकू छोड़ के देखिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ये वाले टैंक में, देखिए ये हार्डली 2 दिन हुआ है मुझे इसे साइफन करके, और इसमें आप देखिए कितना सारा एल्गे ही है, और मैंने इसमें सिर्फ 2 चिपकू छोड़ दिए, और दोनों ने इन्होंने बहुत, देखो पूरा टैंक ऑलमोस्ट साफ कर दिया है। इससे आप ये मत सोचिए कि इससे आपका काम हल्का हो रहा है, नहीं, बट ये आपके टैंक के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी ये बड़ी होने के बाद इसे छोड़िए मत। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उसका बंदोबस्त करेंगे, बट वाइल्ड में मत छोड़िए उसे, क्योंकि वाइल्ड में जगह आप छोड़ोगे तो मैंने जैसे आपको बताया, आप वो साइकिल को अफेक्ट करते हो, और वो साइकिल को अफेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता ही है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्यों पसंद नहीं आई। मिलता है आपको अगले वीडियो में, फिर से नमस्ते।